पाँव भी नहीं रख सकते भाई, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। भाई यहाँ पर नंबर लग रहा है, अभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। दोस्तों मेट्रो के अंदर इस टाइम मैं जा रहा हूँ। अभी मैं अंदर जाने के बाद, आज मेट्रो बड़ी खाली खाली लग रही है क्योंकि आज यहाँ पर तो भीड़ कम है। जब भीड़ होती है तो मैं हमेशा वेंडिंग मशीन जो ये लगी होती है, मैं यहीं से अपना टोकन लेता हूँ जिस डेस्टिनेशन जाना होता है वहाँ से। और आज मुझे दो जगह कहीं जाना है तो बस मैं यहाँ से टिकट लेता हूँ अपना और उसके बाद चलते हैं। टोकन लेने के बाद अब मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म से हमें अपनी ट्रेन लेनी है। तो चलो मेट्रो में चलते हैं अब। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके? और इस वक्त मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ। आप देख सकते हो मेट्रो अभी आने वाली है तो कभी लोग यहाँ पर कम है। और थोड़ी देर में अभी हम अपनी नई मंजिल की तरफ चलेंगे, दिखाते हैं आपको। आज क्या बात है, आज तो मेट्रो भी अंदर से खाली है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स पहले तो ये नज़ारा देख लो, अगर मैं कहीं पाँव रख सकता हूँ तो वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ पाँव रखूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है इस टाइम निज़ामुद्दीन दरगाह पे नहीं आए थे आज, मैं किसी और खुशी है एक और तो उसके चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आप नज़ारा देख लो पहले, आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, हद से ज़्यादा भीड़ है आज तो। और देखते हैं अभी हम पहले छोटी दरगाह पे सलाम करते हैं, यहाँ पे अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैहि की इनकी दरगाह पहले यहाँ पे सलाम करते हैं। यहाँ तक नंबर लग रहे हैं, आप ये देख सकते हो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं कि बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं। और बहुत नामचीन दरगाह, तो आप देख सकते हो नज़ारे क्या चल रहे हैं, नज़ारे यहाँ पर मैं दंग हूँ। दोस्तों अंदर मैं आ चुका हूं और अंदर भी नज़ारा आप देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहां पर। और अंदर का नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है। और अक्सर मैं निज़ामुद दरगाह आता रहता हूं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहां पर आना। और अब हम बड़ी दरगाह की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो यार पैर रखने की जगह नहीं है। अक्सर ये भीड़ आपको नौचंदी जुमेरात में मिलेगी या नए साल या किसी खास दिन मिलेगी। अक्सर ये वाली जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये किसी खास दिन में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नौचंदी जुमरातें होती हैं या फिर नया साल होता है या कोई भी एक ऐसा दिन जो होता है जिस दिन भीड़ भाड़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये उन्हीं दिनों में से एक है। और मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि कभी कभी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती, जैसे आज देख रहे हो आप। अभी नंबर लग रहे हैं, मतलब लाइन में हम लगे हुए हैं। लाइन में लगने के बाद अभी हम धीरे धीरे जाएँगे, उसके बाद बड़ी दरगाह के अंदर हम सलाम पेश करेंगे और तब उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। मगर अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं नज़ारे। यार मैं बता नहीं सकता कब तक नंबर आने वाला है, अभी ये भी नहीं कह सकते हम क्योंकि लगे हुए लाइन में। अब धीरे धीरे लाइन चल रही है, वैसे ही चलेंगे हम, बोल भी नहीं सकते इतनी भीड़ हो रही है, आवाज़ मेरी आप तक पहुँचेगी ही नहीं। आप देख सकते हो कि निज़ामुद्दीन दरगाह की कितनी ज़्यादा लोग दिल में मानते हैं, कितने दूर दूर से हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पर आपको इतना सुकून मिलेगा जो लोग यहाँ आते हैं। जो नॉर्मल दिन होते हैं ना, उसमें आप दरगाह के अंदर आएंगे तो आप आसानी से दरगाह के अंदर चले जाएंगे, सलाम कर लेंगे। बट कोई ख़ास दिन होता है, जैसे मैं ना नए साल पर आया था एक बार, तो मैं नए साल की वीडियो को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना रश है क्योंकि हर कोई ये चाहता है साल का पहला दिन होगा तो वो दरगाहों पर जाकर, या मंदिर लोग जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं जाते हैं अपनी धार्मिक जगहों पर, तो हर कोई ये चाहता है कि पहला दिन वहाँ जाएँ, अपना ऊपर वाले से दुआ करें, दिल में मतलब एक अच्छी जगह जाकर शुरुआत करें। सबके दिमाग में यही सब बातें चलती हैं, तो वैसे मैं भी यहाँ पर आया हूँ, आप देख सकते हो। आप ये लाइन देख रहे हो ना, मैं इस लेफ़्ट साइड में राइट लाइन में खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद ये घूम के इस तरफ आएगी, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर आज, नए साल वाले दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं सलाम करने, तो मैं भी यहाँ पर आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। दोस्तों अभी हम दरगाह की चौखट तक पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर जाने वाले हैं, मगर मुझे अंदर नहीं लगता कि मैं अंदर की भी आपको कुछ वीडियो दिखा पाऊंगा क्योंकि
बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, तो दोनों हाथों से एक हाथ से मोबाइल पकड़ना अपना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे भी यहाँ पे बनाने में वीडियो शूट। आवाज़ नहीं दे पा रहा मैं अपनी खुद, तो आप देख सकते हो नज़ारे यहाँ के कितने खूबसूरत और कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये सामने लाल मस्जिद है, बहुत बहुत खूबसूरत मस्जिद अंदर बनी हुई है जिसमें नमाज़ पढ़ते हैं हम कब जब जाते हैं। अब मैं अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकता था आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मेरा हाथ दोनों हाथ मतलब हाथ में बता नहीं सकता आपको। दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत दरगाह के अंदर के बराबर में एक जगह बनी हुई है, मैं वहाँ खड़े होकर नज़ारा दिखा सकता हूँ। आप भीड़ देखो, भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलो अब दरगाह के बाहर चलते हैं और घर के लिए निकलते हैं क्योंकि दरगाह पे सलाम पेश कर चुके हैं हम, तो अब चलते हैं।